साथियों, दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बार बार बहाने बना रही है। दीदी उन बहनों उन परिवारों को जवाब नहीं दे पाई जिनको पहले अम्फान ने तबाह किया और फिर तृणमूल के टोलाबाजों ने लूट लिया। यहां केंद्र सरकार ने जो राहत भेजी थी वो भाईपो विंडो में फंस गई। दीदी, ओ दीदी, दीदी आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी। गरीब का चावल किसने लूटा। अम्फान के सताए लोग आज भी टूटी हुई छत के नीचे जीने को मजबूर क्यों है। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला है। पश्चिम बंगाल यहां का बच्चा बच्चा, दीदी यहां का बच्चा बच्चा ये आपका खेला समझ गया है और इसलिए 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। लोकेरा अपना के दोरजा देखावे, लोकेरा अपना के दोरजा देखावे। दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। पूरन चंद्र दास, मदन घाई, शेख लियाकत अली, वासुदेव माइली और गोकुल चंद्र जना मेदिनीपुर की ऐसी अनेक संतानों को तृणमूल ने शहीद किया है। इसकी सजा भाजपा सरकार तो देगी ही, लेकिन उससे पहले पोलिंग बूथ पर हमारी माताएं बहनें आपके कुशासन को सजा देने का तय करके बैठी है। आमादेर मायरा पाए हेंटे बेरियास में माताएं बहने टीएमसी को इस चुनाव में सजा देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल चुकी है। मैं जहां देख रहा हूं लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये मैदान छोटा पड़ गया। मैं हेलीपैड पे देख रहा था, हजारों की तादाद में लोग वहां खड़े हैं। ये तस्वीर दीदी आप सुनती भी नहीं हो, अगर देख सकती हो तो देख लो। ये तस्वीर
ये तस्वीर इसकी गवाह है। बंगाल की स्वाभिमानी महिलाओं ने, बंगाल की स्वाभिमानी महिलाओं ने तय कर दिया है, टीएमसीआर का खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे, विकास आरंभ होवे।